नमस्कार दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2018। माय बेस्ट विशेज टू ऑल व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ऑल स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ माय कंट्री। मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे देश के सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को, सारे दर्शकों को और मेनली सब्सक्राइबर्स को। चलिए, मैंने पहले वीडियो में आपको स्मॉल कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाई थी, ए से लेकर के जेड तक उनको जॉइन और रनिंग हैंड बताया था। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे सब्सक्राइबर्स जो है 81 हो गए हैं, जो 3 हफ्तों के अंदर जो है एक गुड न्यूज है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। देखिए, आज मैं शुरू करती हूँ कैपिटल कर्सिव हैंडराइटिंग। सारे नाउंस जो हैं कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं, इसलिए हमको कैपिटल लेटर्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आसान है। मैं सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत आपको सारे कैपिटल लेटर्स बता दूंगी और उसके बाद जो है रनिंग हैंड मैं आपको एक लाइन रनिंग हैंड लिख करके दिखा दूंगी। चाहे वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो, चाहे कुछ भी लिखूंगी, लेकिन रनिंग हैंड मैं लिखूंगी। चलिए ए बताती हूँ और ले चलती हूँ आपको अपने मिशन के अंतर्गत इम्प्रूव योर इंग्लिश हैंड राइटिंग विद इन 5 मिनट्स में। देखिए, ए बिल्कुल सरल है, एरो सिस्टम लगाया है मैंने, आप एरो को फॉलो कीजिए, एरो कहाँ से किधर को जा रहे हैं करके, और मेरी पेन की नोक के साथ अपनी पेन घुमाइए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बन जाइए, ये मेरी गारंटी है। चलिए ए शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, बेस से शुरू करेंगे। मैंने इंग्लिश ये लाइंस का वीडियो बनाया है, जब आप लोगों ने उसको नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखिएगा। उसमें मैंने 4 लाइन छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी सारी लाइंस के बारे में बिल्कुल उसमें एक्सप्लेन किया है। वही लाइंस पर, 4 स्टिक्स पर और 4 लाइंस पर इंग्लिश लैंग्वेज टिकी हुई है, फिर बताती हूँ। देखिए, ए बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, बैक आ जाएंगे, नीचे बेस से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेस से, और यहाँ चले जाएंगे, काट देंगे। बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। इसके साथ फिर बताती हूँ, 1 2 3 जाइए, फिर वापस आ जाइए। ये अब बी बताती हूँ, बिल्कुल एरो दिखाई है मैंने, बी यहाँ से मुड़ेंगे, 1 2 मुड़ेंगे। देखिए, सी में एक गलती करते हैं कि इस सी को, कैपिटल सी को, कई जो जानकार नहीं हैं या फिर जब कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं चलती थी, जो बहुत पुराने टीचर्स भी हैं वो सी को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सी में एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, जब सी 3 लाइन्स पर कटा होता है तो वो सी होता है, अदरवाइज 2 लाइन्स पर अगर हम सी लिखते हैं, जैसे इन 2 लाइन्स के बीच हम 1 2 लाइन्स के बीच हम सी लिखेंगे तो ये ई पढ़ा जाएगा, इसको हम ई पढ़ेंगे। अगर यही चीज़ हमारी 3 लाइन्स में, इस 1 2 3 लाइन्स में ऊपर चली जाएगी और इसका सिर कटा होगा तो हम इसको ई पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल डी बिल्कुल सरल है, अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू हो जाइए, वापस आइए, बिल्कुल मोड़ काटिए और बाहर चले जाइए। देखिए, एरो दिया है, अब डी के बाद हम चलेंगे ई में। देखिए, ई बेस से शुरू करेंगे, कई लोग यहाँ से शुरू करेंगे करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बेस से शुरू करेंगे। देखिए, ई को यहाँ से शुरू करेंगे, वापस आ जाएंगे और ई को यहाँ पर छोड़ देंगे, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। एक गलती होती है इसमें, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। 1 2 3 लाइन्स में अगर ई आता है तो 1 2 3 लाइन्स में ही ई चलेगा और इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, अब एफ बताती हूँ, बिल्कुल सरल है, एफ और टी में एक ही अंतर होता है, एफ कटा होता है, टी नहीं कटा होता है। देखिए, 1 2 3 काट दीजिए, एफ बन गया। इस काटे, अभी मैं आगे बताऊंगी, अगर आपको, आप इसको काटेंगे नहीं तो ये
टी बन जाएगा जी। बिल्कुल सरल और बहुत सुंदर जी। जब हमारे नेशनल रिवर हम लिखते रिवर का नेम लिखते हैं हम गंगा, अगर उसको कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख करके देखिएगा बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से चलिए यहाँ ये, और जी जो है फोर लाइंस को कवर करता है, कैपिटल जी जो है फोर लाइंस को कवर करता है, कैपिटल कर्सिव जी। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊँगी कौन से लेटर जो है कौन कौन सी लाइन में आते हैं, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगी, लेकिन आप भी ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 लाइन को जी कवर करेगा। फिर जी के बाद आता है एच। देखिए बहुत सुंदर एच बहुत सुंदर बनता है। देखिए जब आप हिल लिखते हैं जरा कर्सिव में लिख करके देखिएगा, देखिए 1 यहाँ से आ जाइएगा और ऊपर जाइएगा, नीचे मत आइएगा। यहाँ से जब आप इसको यहाँ से घुमाएंगे ये चलेंगे और ऊपर जाएंगे तो एच आ जाएगा कर्सिव में। अब आई, देखिए आई को थोड़ा सा हल्का सा घुमाएंगे, 3 लाइंस में आता है। देखिए मैंने एक एरो दिया है, कहाँ से घुमाएंगे हम, शुरू यहाँ से होंगे, नीचे आएंगे और बाहर चले जाएंगे। जे, आई और जे, जे का सिर यहाँ पर टच नहीं होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ टच कर देते हैं, नहीं अगर नहीं करेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए जे यहाँ से हल्का सा मोड़िए और 4 लाइन को पूरा कवर करता है जे, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए एरो दिया है। अब जे के बाद के हम आएंगे तो के बिल्कुल सीधा है, के को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे, फिर हम इधर जाएंगे और इधर का एक पार्ट, इधर का एक पार्ट, दो पार्ट को ज्वाइन कर देंगे, बन जाएगा हमारा के। अब एल बहुत सुंदर दिखता है। देखिए एल यहाँ से मोड़िए, सिर मोड़ दीजिएगा, 2 टाइम मोड़ता है एल, पहले सिर फिर इसका फीट। देखिए यहाँ सिर मोड़ा हमने, यहाँ से शुरू हुए और सिर मोड़ा, यहाँ फीट मोड़ा और एरो दिए हैं, बिल्कुल सरल किया है, एल बन गया। देखिए एम बिल्कुल सरल है, एम की 3 आर्म्स होती हैं, 1 2 3 और 3 ही, जो तीनों ये 3 टोटल आर्म्स जो होती हैं एक ही लाइन को टच करती हैं। इसको एम की आर्म को कभी आप लटकाइएगा नहीं, कई बच्चे ऐसा एम लिखते हैं, ये नहीं, रॉन्ग एम है ये एम की कर्सिव एम की जो है जो राइटिंग लेटर हम लिखते हैं उस एम की तीनों आर्म्स जो हैं एक साथ एक बेस को टच करती हैं। देखिए एन, देखिए बिल्कुल सरल है, एन अगर एम को बीच में छोड़ देते हैं, यहाँ सिर मोड़ देते हैं, एन बन जाता है, बहुत सरल। ओ, और ओ को कभी भी गोल मत बनाइएगा। देखिए ओ ओवल होता है और हर हमेशा आप ओवल बनाइए। देखिए यहाँ से शुरू, वापस बैक आएंगे यहाँ से, फिर इधर को ले जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब पी बताती हूँ, बिल्कुल सरल है। पी जो है अगर हम टाइपिंग पी और राइटिंग पी की बात करें तो दोनों में एक ही अंतर है, इसमें जो है बैक से जाते हैं, उसमें सीधे जो है इसका पी का सिर बना देते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, ये दिया है, ये दिया है, वापस आ जाइए। अब ओ, सॉरी पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्यू भी फिर क्यू ओवल होगा और ओ के जैसे होगा, लेकिन हम ओ को ऊपर ऊपर यहाँ मुड़ा देते हैं, क्यू में बेस में आएंगी। अब आर बिल्कुल सरल है। देखिए आर यहाँ से आएगा, इधर जाइएगा और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर कोना दे करके ऊपर को मुड़ते हैं तो बहुत सुंदर बन जाता है आर। फिर बताती हूँ, यहाँ से आइए और यहाँ पर काटिए और यहाँ पर हल्का सा कोना बना करके आर जो है ऊपर को काटेंगे तो बहुत सुंदर बनता है। फिर आर के बाद एस, देखिए एस में बहुत अच्छे बिल्कुल अट्रैक्टिव तरीके से बनाना सिखाती हूँ। शुरू हुई है मेरी पेन की नोक के साथ, देखिए ये फिर जो आप इसको मोड़ेंगे ना, इसको मोड़ेंगे तो यहाँ से और इधर आ जाइए। अब इधर क्यों ला आ रही हूँ मैं, इसलिए आ रही हूँ कि इसके साथ जो है दूसरा अभी मैं लेटर ज्वाइन करना सिखाऊंगी, इसलिए यहाँ तक आएंगे इसको। देखिए यहाँ यहाँ, देखिए फिर देखिए इधर इधर, आइए सिर काटिए और यहाँ से मुड़ जाइए। देखिए टी बहुत सुंदर है, टी बिल्कुल सीधा है, कुछ नहीं करना है। अब यू, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से चले जाइए और हल्का सा टेढ़ा लाइए और यहाँ इसके बेस पर ला करके छोड़िए टी को, इसके बेस पर। यू बिल्कुल सरल है। अब वी, देखिए ये यहाँ लाइए, हल्का सा यहाँ पर कोना बनाइए, ये भी यहाँ लाइए और हल्का सा आप कोना बनाइए और वी की हर हमेशा आर्म काटिएगा इसको, ठीक है, इस आर्म को काटिएगा। अब देखिए
डब्ल्यू, अब डब्ल्यू की जैसे एम की तीनों नीचे यहाँ पर टच करती थी, एम की तीनों जो है यहाँ पर टच करती थी, वैसे डब्ल्यू की ऊपर टच करेंगी, तीनों ही आर्म्स जो है वन आर्म और टू आर्म, ये थ्री आर्म, ठीक है। अब एक्स, अब एक्स बताती हूँ मैं, एक्स बिल्कुल सरल है, देखिए एक्स यहाँ से आइए और यहाँ बिल्कुल ऊपर चले जाइए, ऊपर से फिर बैक आइए, ये फिर बताती हूँ, यहाँ से इधर को आइए और बिल्कुल ऊपर चले जाइए, ये एक्स, ये देखिए बिल्कुल बाहर चले जाइए। वाई बिल्कुल सरल है, फोर लाइन में आता है वाई, एरो दिए हैं, तीर लगाए हैं, उनके सहारे चलिए वाई, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था वाई और यो का रिजेंबल किया था, जरा रिकॉल कीजिएगा उसको, ठीक है। अब जेड, जेड जो है फोर के फोर लाइन को कवर करता है, वन टू थ्री फोर के फोर लाइंस को कवर करता है। तो ये था मेरा वीडियो कर्सिव कैपिटल हैंडराइटिंग का, ए टू जेड का। अब मैं आपको सिर्फ जो है एक लाइन लिख करके दिखाती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए बिल्कुल हाथ मत उठाइएगा, देखिए मेरे इसके मेरे हैंड के साथ चलिएगा, देखिए मैं लिखती हूँ, जैसे ये लिखा मैंने, ये एच एच ओ एन ई एस टी वाई, मैंने बताया था, और टी लास्ट में कटता है, ऑनेस्टी लिख दिया मैंने, एज, एज हल्का सा टेढ़ा करेंगे, एज द, देखिए ये एच खुला होता है बताया था, आप भी खुला कीजिए, द काटिए, बेस्ट बी, देखिए बी ई एस टी बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने कहा था पी कोई खुला नहीं होता है, पॉलिसी पी ओ एल आई सी वाई, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, उसी में लिखा है जो आपको सिखाया है। तो ये था मेरा वीडियो एक कर्सिव कैपिटल हैंडराइटिंग का, आप इसको जो है एक सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बन जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।